मनरेगा में काम, जॉब कार्ड, लंबित भुगतान की मांग को लेकर महिलाओं ने समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि गायघाट ब्लॉक में पिछले किए हुए कार्यों के भुगतान राशि अब तक नहीं दी गई। बीते एक वर्ष से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। शिकायत के लिए फोन करने पर कोई फोन नहीं उठाता। पूरे पंचायत में जॉब कार्ड का काम अधूरा है। कई बार इस अधूरे कार्यों के लिए शिकायत की गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। यदि इस कार्य पर संज्ञान नहीं दिया गया तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। पिछले काम का पैसा नहीं मिला है और जॉब कार्ड बकाया है साल भर से। पीओ साहब के फोन करते हैं तो पीओ साहब नहीं फोन उठाता है। पीआरएस के फोन करते हैं, पीआरएस नहीं उठाता। और पूरे पंचायत में जॉब कार्ड अधूरा पड़ा हुआ है। नहीं काम मिलता है, नहीं जॉब कार्ड मिलता है। और मजदूर के फोन नहीं उठाता है, नहीं कोऑर्डिनेटर है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उसको फोन नहीं उठाता है। और कहता है जहाँ जाना है जहाँ जाइए। इसीलिए हम सब धरना स्थल पर आज धरना दिए। आज को अगर नहीं सुनेगा तो लंबी हम सब धरना देंगे। आज एक दिन का धरना है। सभी ब्लॉक में जॉब कार्ड भी नहीं मिला है अभी तक। हम लोग जॉब कार्ड के लिए बहुत परेशान हैं, पर जॉब कार्ड नहीं मिला है सभी ब्लॉक में। तो इसलिए मैं एक दिन का धरना। मुजफ्फरपुर प्रखंड के मुसहरी सदर में बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार से हमारी जो मांग है उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। कई बार मंत्री से बात किए जाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना है कि उनके पास हमें देने के लिए पैसे नहीं है, जिस कारणवश आज हम यहां प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए। जनता के लिए बिहार सरकार अन्नदाता है। अगर अन्नदाता ही मुँह फेर ले तो हम फरियाद किससे करेंगे। 6000 में 200 रुपए प्रतिदिन हमारी कमाई होती है। इस महंगाई के दौर में परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया। जब हम संघ की सेविकाएं खुद को पोषित हैं तो दूसरों को कैसे पोषित कर पाएंगे। हमारी मांग है कि हम सभी सेविकाओं को सीग्रेट कर्मचारियों का दर्जा, वेतन मान एवं राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। हम लोगों के सरकार से जो डिमांड है वो पूरा नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग धरना ही करेंगे और प्रदर्शन ही करेंगे। दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। कई कई बार हमारे मंत्री से वार्ता हुआ है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार का कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोग अगर 100 रुपया भी बढ़ाते हैं तो 800 करोड़ का नुकसान पर डे, मतलब पर मंथ देना पड़ता है एक्स्ट्रा। लेकिन हमारे बच्चे, हमारी सेविकाएं कैसे एक बेहतर जीवन जिएंगी, इस पर विचार कौन करेगा। आप गार्जियन हैं हमारे, बिहार के लोगों के अन्नदाता है, कर्मदाता है, तो फिर हम तो फरियाद आप ही से करेंगे ना। हम 6000 रुपये में 200 रुपया पर डे कमाते हैं, किस तरह से अपने परिवार की परवरिश करेंगे। हमको तो समाज सेवक कहते हैं कि वो समाज सेवा कर रहे हैं। ठीक है, समाज सेवा कर रहे हैं, तो समाज सेवा जब हम कर रहे हैं तो हमको 4 घंटा से ज़्यादा का काम नहीं दिया जाए। हम लोग को हर तरह के कामों में, नगर निगम का काम हो या हॉस्पिटल का कोई काम हो, हर चीज़ में हमारी सेविकाओं को इन्वॉल्व कर दिया जाता है और हम कोई एक्स्ट्रा काम करने लायक ही नहीं रह जाते। कभी 2 बजे बुला लिया जाता है, कभी 3 बजे बुला लिया जाता है, कभी सडनली कोई व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया जाता है कि ये काम करना है, फलाने जगह आ जाइए, मीटिंग है। इस तरीके से सेविकाएँ ये 4 घंटे के काम में 12 घंटे इन्वॉल्व हो जाती हैं और इस 12 घंटे का मेहनताना किसी भी सेविका को नहीं दिया जाता है और वो ना अपने घर में परवरिश कर पाते अपने बच्चे का सही, उतना कम पैसा में और उतना कम टाइम में, क्योंकि हम अपने बच्चे को टाइम भी नहीं दे पाते। तो मांग हमारा यही है कि वेतन मान का मांग है कि हम लोगों को भी राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, जैसे कि सेविकाओं को सीग्रेड का कर्मचारी घोषणा कर दिया जाए और सहायिकाओं को डिग्रेड का। लेकिन ठीक है, सरकार के पास अगर बहुत सारी समस्याएं हैं तो हम भी आपको गार्जियन मान रहे, तो आपकी समस्याओं को मान रहे हैं कि आपके पास हो सकता है सडनली इतना ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये मांग डिमांड तो हम लोग का बहुत दिन से चल रहा है, 10 साल से हम लोग इस चीज़ के लिए फरियाद लगा रहे हैं कि हम लोग को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। लेकिन ठीक है, फिर भी हम अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuwan University, listed in WHO.